हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं क्या बनाऊंगा। जी हाँ, आज मैं दुर्गा माता की ड्राइंग बनाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की पेंसिल आपको दिख रही है, यह 10 रुपीज की है। इसे मैकेनिकल पेंसिल भी बोलते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसे पेंसिल भी बोलते हैं। गाइस, डिटेल वर्क के लिए हमें खूब पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमें रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसकी डिटेलिंग करनी पड़ती है। गाइस, कोई भी ड्राइंग बनाते वक्त हमें शेडिंग पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमें डार्क और लाइट एरिया को ऑब्जर्व करके उसी प्रकार उसको शेडिंग करते हैं। गाइस, अभी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको कुछ देर बाद फिर मिलता हूँ। शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश, ब्लेंडिंग स्टेम एंड कॉटन ब्रश जो रहता है ना कान साफ करने के लिए, वो यूज करता हूँ। ये तीनों टूल मैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करता हूँ। ये तीनों मैं एक साथ कभी कभी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। ये जो मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, ये 10B की पेंसिल को सैंड पेपर पे घस कर उसका चूर्ण बना लिया हूँ, उसी से ब्लेंड कर रहा हूँ। उस पे रख के बड़े पार्ट्स को सेट करने के लिए मैं इसी का यूज करूंगा, और छोटे पार्ट्स जो हैं उसे पेंसिल की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न ऑन करना ना भूलें। अगर आपको कोई सजेशन देना है, प्लीज कमेंट करें। एंड जाते जाते आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।